काम तो पहले शीला दीक्षित ने की है, 15 साल में 3 दफा रही, तो ये तो लिपस्टिक लगा रहा है केजरीवाल। चाहे साला किसी दिन कोई आदमी जो है ना कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी ना लड़ा हो, वो भी टिकट के लिए झंडा लेके आगे फिर रहा है। अब देखो ना, 1 करोड़ रुपया किसी की एक्सीडेंट हुई, 1 करोड़ रुपया उसको कंपनसेशन दे दिया, माफ करना, रुपया टैक्स पेयर का है, उसको 1-1 करोड़ रुपए अपने कार से तनख्वाह से कितना दिया इसने। दिल्ली 2020 में चुनाव होने वाले हैं और इस चुनावी दंगल में जो 2020 होगा उसमें कौन जीतता है, लेकिन अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यहाँ दिल्ली में काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि पहले की सरकार ने कितना काम किया और अब ये जो केजरीवाल जी की सरकार है इसमें कितना कार्य हुआ। तो सबसे पहले सर आपसे पूछूंगा, जो पहले सरकारें हुई हैं, शीला दीक्षित की सरकारें हुई हैं और अब की सरकार में अगर आप कंपैरिजन करें तो किसकी बेटर आप देखते हैं? अभी जो आप पार्टी का पल्ला बहुत भारी है क्योंकि ये लोगों के बहुत नज़दीक है, ये जो जैसे पानी का है, बिजली की इतनी परेशानी पहले होती थी, बिजली आती नहीं थी, अब ये बिजली जो है, ये जो पावर है वो जाती नहीं है, अब तो ये हमारे पास जो इन्वर्टर वगैरह हैं वो ऑलमोस्ट नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि आती है 1 मिनट के लिए, अगर जाए भी तो 1 मिनट में आ जाती है, तो इसलिए सर्विसेज जो हैं इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और केजरीवाल का जो स्टॉक है काफ़ी हाई है। इस बार आप किस किन मुद्दों को ध्यान में रख के चुनाव देने जाएंगे? हम तो देना ही नहीं चाहते, पर अब देना पड़ेगा कि एक हमारा एक फर्ज बनता है, देना नहीं चाहते हम किसी को भी, क्योंकि काम किसी ने कुछ नहीं करना है, वोट लेके सब बैठ जाएंगे चुपचाप अपने अपने घर में। आप गए कभी उनके पास, उनका कोई काम? तो कभी नहीं, बस यहाँ आते रहते हैं तो बात होती है, आपके बीच में आते हैं? हाँ बीच में आते हैं, कई बार आए हैं, ये बेंच भी उन्होंने लगवाए हैं। अच्छा। ये बेंच देखो जो है इनकी हाइट भी डिफरेंट है, ये देखो जो बुजुर्ग हैं वो इनके लिए थोड़ी ऊंची है और वो 1-1 इंच नीचे हैं। अच्छा। हम उधर नहीं बैठते। ये इतनी एक्यूरेसी में जाना वो विधायक के बिना नहीं हो सकता। ऐसा ही जहाँ तक जनकपुरी की बात है ना, जनकपुरी शुरू से ही हमेशा ही डेवलप होती रही है, ये नहीं है कि पीछे किसी ने नहीं किया। हमारे यहाँ जगदीश मुखी जी थे, उन्होंने पाँच बार विधायक बने, वो काम करते रहे, मगर आखिरी सालों में पता नहीं क्या हुआ कि ये नया कैंडिडेट और नई पार्टी आके जीत गई। तो विकास कार्य तो बहुत पहले से भी बहुत अच्छे हो रहे थे, विकास कार्य उसके बाद भी रुके नहीं, चलते रह गए, और इस साल में हमने ये देखा कि हमारे पास MLA को कहने के लिए कोई काम नहीं है कि हम क्या कहें भी तू कर दे, इतना वहाँ तक हम पहुँच गए। हमारे पार्कों में जिम लग गई, हमारे पार्कों में वो झूले लग गए। बदलाव देखा आपने? एक तो मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का वो काफ़ी चेंज हुआ है, मतलब हर क्लास में कैमरेज लगे हुए हैं, मतलब मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से हूँ और उस मतलब जैसे पहले होता था 10 साल पहले गवर्नमेंट स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, ना वाटर सप्लाई की फैसिलिटी, ना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली, बट अब 5 साल में काफ़ी चेंजेस आए। मैं पिछले 40 साल से जनकपुरी में हूँ, मैंने मुखी साहब का समय भी देख लिया, इनका भी देख लिया, मगर इसमें अब ये है कि ये वहाँ जाना पड़ता था, ये आ जाते हैं। अच्छा, ये मतलब विधायक जी आते हैं यहाँ पे? इनको ये कह दो ना जी हम आपसे मिलने आ रहे हैं, वो कह रहे आप कहाँ हो, मैं वहीं आ जाता हूँ। तो ये जो है ये नम्रता जो है ये आम आदमियों में, नेताओं में नहीं होती। तो फ्री की चीज़ें लेना चाहेंगे आप? हाँ, तो फ्री की चीज़ें दे रहे हैं केजरीवाल? फ्री की कौन सी चीज़ दे रहा है? जैसे कि बस में महिलाओं के लिए फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी। फ्री नाम ही नहीं है ना, पैसा तो बसों पर लगा, पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ है, गवर्नमेंट फ्री दे रही है, गवर्नमेंट बसों पर जो पैसा लगा हमारे टैक्स का पैसा है, डीजल का खर्चा है, ड्राइवर की सैलरी है, वो हमारे पैसे से जाती है ना, तो हमें रीपे कर रहा है ये कह लो।
दैट कोई नो फ्री लेने का आप बहुत समझदार हैं कि कोई भी आदमी जो अच्छा हो वो फ्री चीज़ को पसंद नहीं करता है, कभी भी नहीं पसंद करता है। हम तो दान देने वालों में से हैं, दान लेने वालों में से। यहाँ पे जो आज जनकपुरी की हालत है ना जी, अगर आप कांग्रेस के कैंडिडेट देखोगे तो आपको 10 मिल जाएंगे विधायक के लिए। चाहे साला किसी दिन कोई आदमी जो है ना कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी ना लड़ा हो, वो भी टिकट के लिए झंडा लेके आगे फिर रहा है। इसी तरह बीजेपी के जो लोग किसी गिनती में नहीं है वो भी अपने आप को, आप पोस्टर देखो, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं देखो। तो गरदारी लाल जैसे आज आप में जो है भाग भाग के फोटो लगा रहे हैं, तो ये तो डेस्टिनी है कि पिछली बार किसको टिकट मिल गए उस टाइम भी। दो बात बताऊंगा, कांग्रेस बीजेपी के इलेक्शन में डेस्टिनी के छोटे से छोटा बंदा भी टिकट ले गया, क्योंकि पुरानों को देना नहीं था, नए लोगों को टिकट देने थे, तो जैसा भी मिला उसको टिकट मिल गया, चाहे छोटा सा कार्य करता था। आप में क्या हुआ, नई पार्टी बनी, किसी वजह से बन गई, ना कभी पार्टी थी ना कभी मेंबर थे, तो ये किस्मत के मारे सबको टिकट मिल गई। जिनको भी मिली किसी क्वालिटी पे नहीं मिली थी। अच्छा। ये केजरीवाल को पता होगा। अच्छा। क्योंकि अगर उसने बड़ी अच्छी क्वालिटी से दी होती तो उसके 10-15 निकालने ना पड़ते, उसको छोड़ के ना जाते उसको। तो ये एक डेस्टिनी थी, जिनको टिकट मिल गई कांग्रेस में, बीजेपी में और आप में। अब जो है, अब आपको भी पैसे की जरूरत है, वरना जो है जो कुमार विश्वास राज्यसभा का मेंबर वो होना चाहिए था मेरे हिसाब से। आपने आर के गुप्ता को बनाया, हर बंदा ये कहता है कि उससे पैसा लिया होगा, तो अब पैसे की जरूरत है। आप हो सकता है कहीं इधर उधर भी हो जाए, बीजेपी में आज किसी की कन्फर्म नहीं है, क्योंकि हम तो ये सोचेंगे तब जब टिकट डिक्लेयर होगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी तो सारे जीते हुए, जो मांग रहे हैं टिकट सारे के सारे जीते हुए। तो क्या राजेश ऋषि का अभी पत्ता साफ होने वाला है? मैंने ये कभी लगभग नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा टिकट डिजर्व राजेश ऋषि करता है। अच्छा। बिल्कुल 100% करता है, पर ये तो किस्मत का खेल है और ऊपर वाले का खेल है जी, वो किसको टिकट दे दे। हमारे मतलब आम आदमी पार्टी में भी अब पैसों का खेल होने लगा। हमारे यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, पृथ्वीराज सानी चेयरमैन रहे पूरी 3 कमेटियों के, तब एक तीनों कमेटियां कारपोरेशन में एक ही कारपोरेशन होती, चेयरमैन रहे और उनको टिकट नहीं मिला। अगली बारी एक बारी वो हारे संजय पुरी से, उसके अगली बारी उसे टिकट नहीं मिला, और उससे ईमानदार आदमी शायद इस धरती पे नहीं है। आप तो देश की बात करते हो या शहर की बात करते हो, वो आज भी अपने उसी 80 गज के मकान में है, जिसमें वो मेयर सारी दिल्ली का भी रह चुका, काउंसलर भी 2 बार रह चुका। उठते ही आपने देखे होंगे, आप तो फिर जब दिल्ली दर मीडिया दरबार चला रहे हो, तो काउंसलर जीतते ही जो है अगले साल उसके बाद 5-4 मकान तो इधर उधर ही हो जाते हैं, 4-5 गाड़ियां और एक दो मेरे जैसे चमचों के भी हो जाते हैं जब मगर उस बेचारे ने कुछ नहीं किया, मगर टिकट नहीं लिया। क्या लगता है केजरीवाल जी ने और शीला जी के जो टाइम में विकास हुआ था, केजरीवाल जी ने उससे ज्यादा किया? जगो शीला ने तो पड़ मनवाए इन पब्लिक के लिए करया, उन्होंने जाम हटाया। अच्छा, तो और ये अच्छा आदमी है केजरीवाल, केजरीवाल को अच्छा मानते, पैसा खाता, यो पैसा पब्लिक में बांटता है, ईमानदारी पर वोट देंगे, ईमानदारी वोट देंगे। केजरीवाल को क्यों, भाजपा को क्यों नहीं? भाजपा तो भट्ठा बैठा होगी, दिल्ली का भट्ठा बैठा देगी, भट्ठा बैठा देगी, बिल्कुल हरियाणा में भट्ठा बैठा दिया। अभी अभी तो सरकार बनी है वहाँ, पहले 5 साल पहले भी। अच्छा। और हरियाणा की सरकार टूटेगी 1 साल में, वही भविष्य पानी कर दी। अच्छा, वागे भविष्यवाणी। तो आपने जानी दिल्ली की जनता की राय, इस बार वो केजरीवाल को 70 में से 70 सीटें जिताने का दावा कर रही है। अब इसका पता तो 11 फरवरी को ही चलेगा, जब मतगणना की गिनती होगी कि कौन सी सरकार किस पे कितनी सीटें लेती है। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं गरिमा अग्रवाल, मीडिया दरबार दिल्ली।